ठीक है, फर्स्ट का मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला करवा रहा हूँ पहले। ठीक है, क्या है x प्लस टू और x माइनस टू। सॉल्व करता हूं। शिवांश एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना, वो मैं लिख नहीं पाया, इसके पहले लिखना है, इस एक्सरसाइज की जस्ट पहले लिखना है वो आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या होती है, ए होती है, और वो लिख लेना है इस एक्सरसाइज के पहले लिख लेना है। शिवांश हेलो, हाँ, ए आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी ये होती है कि ए प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिएगा मैंने इसको सॉल्व किया तो इधर भी ए, यहाँ ए इक्वल टू क्या है टू एक्स, हाँ वेरी गुड, और बी इक्वल टू क्या है टू। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, और आइडेंटिटी को साथ में कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो लिख देना है कि यूज आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू इस आइडेंटिटी का यूज होगा तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर, ए ए क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है टू, टू का स्क्वायर। अच्छा, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा और टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का मैं एक और करवा रहा हूं। हाँ हाँ, फिफ्थ वाला तो करवा रहा हूं, एक और करवा देता हूं, फोर्थ वाला और करवा देता हूं। फोर्थ क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहां ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा और बी इक्वल टू क्या होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, और आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम, आइडेंटिटी करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, समझ गए, अब देखो कैसे करते हैं। अब आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई, देखो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर ए क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और बी क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, टू टू जा क्या हो जाएगा फोर, तो एक्स की पावर फोर माइनस टू की पावर टू होती है तो क्या हो जाएगा बाई की पावर फोर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट मैं एक और करवा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसी का सिक्स्थ वाला, सॉरी सिक्स्थ वाला। सिक्स वाला है टू अपॉन बी, सॉरी माइनस फाइव अपॉन सी और है टू अपॉन बी प्लस फाइव अपॉन सी। इधर सॉल्व किया मैंने, अच्छा मुझे ये बताइए कि यहां a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू टू अपॉन बी और b इक्वल टू कितना होगा फाइव अपॉन सी। इसको
इसको हमें अलग से ऐसा मान लेना है, ठीक है। अब देखो मैं फॉर्मूला इधर सॉल्व करता हूं, 2 upon p minus 5 upon c multiply 2 upon p plus 5 upon c, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, a का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर मतलब 2 अपॉन b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 5 अपॉन c का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और b का स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और c का स्क्वायर कितना होता है, c स्क्वायर, ठीक है ना। यार देखिए सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड क्या है, यहां पर a प्लस एक्स a माइनस एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर सॉल्व करते हैं। अच्छा शिवांश पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, a प्लस बी, और यूजिंग आइडेंटिटी ये वाली लगनी है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। इससे ए आया और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप शिवांश मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। इधर भी क्या लिखा है शिवांश, ए माइनस एक्स, मतलब एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, वो ही दोनों चीजें एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, जब सेम टू चीज, सेम टू टर्म माइनस में भी हो और वही टर्म प्लस में हो तो क्या होता है, ए वाला फॉर्मूला लगता है। अब वही सेम टू टर्म माइनस में भी है, वही सेम टू टर्म प्लस में भी है, तो फॉर्मूला लगेगा तो क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला लगेगा तो एक ही स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, माइनस है ना इधर फॉर्मूले में, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। अच्छा किसी के ऊपर पावर, के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर, ये आपका क्या हो गया आंसर, समझ गया ना, बस इतना ही सा करना था। और कौन सा बोला था, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला बोला था, फोर्थ वाला, हाँ। सत के बगल में आइडेंटिटी जरूर लिखना है, अगर आइडेंटिटी नहीं लिखोगे तो फिर वो मतलब सही नहीं माना जाएगा, है ना। इसी का फोर्थ वाला, फोर्थ वाला लिखा है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, फिर लिखा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, फिर लिखा है एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6। सॉल्व मैं करता हूं, आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, वही आइडेंटिटी यूज करनी है, ए वाली, हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ए वाली, कहीं दिक्कत नहीं जाने। हाँ अब देखिए पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, एक चीज प्लस में है और एक चीज माइनस में, एक चीज प्लस में, हाँ बेटा बोलो,
तो आप लीव कर दो बेटा, वैसे भी आप पढ़ते कहाँ हो, छोड़ दो क्लास को, ठीक है आगे पढ़ो। हाँ हाँ आगे देखिए बेटा, ए माइनस में और ए क्या है प्लस में। हाँ शिवांश बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या आपको? बाकी बच्चों से मुझे मतलब ही नहीं है, जब वर्क कंप्लीट करना नहीं है, टेस्ट देना नहीं है, तो हम क्यों पढ़ाएं आपको? हाँ ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ठीक है। और इसको ऐसी कैसी लिख दो, हाँ नहीं नहीं मैं बता रहा हूं, एक में प्लस होना चाहिए और एक में माइनस, एक में प्लस होना चाहिए एक में माइनस, और जो उनका आंसर आएगा उसमें माइनस ही रहेगा, जो उनका आंसर आएगा उसमें क्या रहेगा माइनस, ठीक है ना। अच्छा पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं, तो थ्री टू जै क्या हो जाएगा, हाँ इधर भी क्या हो जाएगा, ठीक है इधर क्या लिखा है, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6, ठीक है। अब भी देखो शिवान दिख रहा होगा, एक जगह माइनस है और एक जगह क्या है प्लस है, हाँ शिवान ब्लर से एक जगह प्लस, तो फॉर्मूला वही लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो इधर एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो पहले ए स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 6 का स्क्वायर माइनस आएगा, फिर 1 अपॉन एक्स की पावर 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, तो 6 2 जाए कितना हो जाएगा 12, और फिर इधर भी 6 2 जाए कितना हो जाएगा 12, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। बस बहुत सिंपल से है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया फॉर्मूले से, जो आंसर आया उसका फिर बचे हुए से मल्टीप्लाई किया, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पहले सेकंड वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड का आपको मैं सेकंड वाला बता रहा हूं, सेकंड वाले में लिखा है 100 मल्टीप्लाई सॉरी 100 पर 101 मल्टीप्लाई 99 सॉल्व करेंगे। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ 100 प्लस 1 और 100 माइनस 1, ठीक है। अच्छा a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना आपको बताया था, अगर ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर ए 100 है और बी क्या है 1 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 1 का। अच्छा 100 का स्क्वायर आप जानते हो, 100 को दो बार मल्टीप्लाई करो तो आता है 10,000 आता है 100, उसमें से 1 माइनस करो,
अच्छा 10,000 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 9999। हाँ तो बस ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो। हाँ समझ गया ना, अगर कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई करना हो जितना प्लस में आ रहा हो उतना ही माइनस में, तो आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। हाँ इसी का मैं फोर्थ वाला बता दे रहा हूँ, फोर्थ वाला देखना। फोर्थ वाला देखना, इसी का फोर्थ वाले में लिखा है 203 का स्क्वायर माइनस 197 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। अच्छा आप इधर जानते हो सिवंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं 203 प्लस 197 और इसी को मैं लिख दे रहा हूं 203 माइनस 197। जब स्क्वायर में दिया हो दो नंबर स्क्वायर में हो और बीच में माइनस लगाओ, दो नंबर में स्क्वायर हो और बीच में माइनस लगाओ तो उनको एक बार प्लस में लिख दो और एक बार किस में लिख दो माइनस में। ये आइडेंटिटी होती है, ये फॉर्मूले से हमने लिखा है, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में। अब देखिए 200 में 197 ऐड किया तो क्या आएगा 400, 203 में से 197 माइनस किया तो क्या आएगा 6, क्या आएगा 6 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 24, और कितने जीरो लगे, कितने जीरो लगे हैं 2 जीरो लगे हैं, तो मैंने 2 जीरो लगा दिए तो आंसर कितना आ गया 2400, कितना आंसर आया 2400। अब मैं एक बार और फिर से बता दे रहा हूं, अगर एक बार स्क्वायर दो जगह स्क्वायर लगा हो और बीच में माइनस हो तो एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में, ठीक है ना। प्लस करने पर आया 400, माइनस करने पर आया 6। सेकेंड बार फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ, ठीक है सेकेंड वाला इसी का 24x इक्वल टू 99 का स्क्वायर माइनस 87 का स्क्वायर। अच्छा मैं सॉल्व करता हूं, मुझे ये बताइए बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी एक बार ऐड कर देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं 99 प्लस 87 और एक बार उसी को क्या कर देंगे 99 में 87 माइनस कर, ठीक है ध्यान से देखना बेटा 24x 99 में 87 ऐड करेंगे कितना आएगा 186 और 99 में 87 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12, क्या आएगा 12, समझ रहे हैं ना। हाँ ये 24x के मल्टीप्लाई में है, ये 24x के क्या है मल्टीप्लाई में है तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, 186 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 24, 12 को काटेंगे तो 12 बन जाए 12 और 12 टू जा 24। अच्छा 2 को और काटेंगे, 2 को 186 काटेंगे 2 बन जा 2 और 293 जा 186। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 93, क्या आई
x की वैल्यू कितनी आई 93। समझ रहे हैं? पहले देखो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया, तो ऐड करने पर 186 आया और माइनस करने पर 12 आया। 24 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला गया, 24 12 से कटा 2 टाइम्स, फिर 2 को मैंने 186 से काटा 93 टाइम्स, आंसर आ गया आपका 93। ठीक है,